ओके नमस्कार आदाब श्री गाल मैं हूं कपिल काटपाल स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज़ एनालिसिस ऑफ द हिंदू एंड अदर सोर्सेज दिस इज 15th एंड 16th ऑफ जून 2021 विद मी आज 16 जून है कल हमारी क्लास नहीं हो पाई ओके okay, सो so आज हम करेंगे करंट अफेयर्स आखिरी दो दिनों के या फिर कहेंगे आज के और कल के तो चलिए बने रहिए जुड़े रहिए मेरे साथ और यह आपके लिए एक कॉम्बो ऑफर यहाँ पर अन अकेडमी प्लस की तरफ से पहले इस कॉम्बो ऑफर का प्राइस आप देख सकते हैं ये प्राइस टेन थाउजेंड टू हंड्रेड हुआ करता था आफ्टर अप्लाइंग द डिस्काउंट ओके और जो कि अब तकरीबन आठ हजार के पहुंच चुका है सो अगर आप कॉम्बो ऑफर लेने की सोच रहे हैं अगर आप सीटी टी की प्रिपरेशन की सोच रहे हैं जो कि फ्यूचर में होने वाला है तो आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं ठीक है और ये ऑफर कुछ दिनों के लिए है कितने दिनों के लिए है आई डोंट नो बट इतना ही कहा गया है कुछ दिनों के लिए है ओके सो ये प्राइस तक पहुंचने के लिए आपको यहाँ पर एक कोड यूज कर सकते हैं दैट कोड इज दी एस ओके एस बी यूज कर सकते हैं आप इस कोड को ताकि आप यहाँ पर इस प्राइस को प्राप्त कर सकें इस कॉम्बो ऑफर को प्राप्त कर सके कोड यूज कीजिएगा एस बी आई राइट चलिए ये आपका अन अकेडमी कॉम्बैक्ट होने वाला है इस संडे को इस संडे को यहाँ पर अन अकेडमी होने वाला है और इस बार कुछ प्राइजेज में चेंज किया गया है पहले आपको सब्सक्रिप्शन uh, के फॉर्म में दिया जाता है इस बार कुछ खास है आपके लिए आईपैड है एयरपोर्ड है और जेबीएल स्पीकर है राइट चलिए 15, 16 जून ये आप मेरे बारे में पढ़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है सभी के सभी एट द रेट के कार्ट पाल लिख दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल के जो नोटिफिकेशन है उसको ऑन रख लीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी मेरी क्लास से रिलेटेड आप मिस ना करें हर ग्रेड भी ऑलरेडी चल रहा है आज क्लास नहीं हो पाई कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से डोंट वरी हम क्लास लेंगे मतलब आज लेंगे जब भी लूंगा डेफिनेटली क्लास होगी बहुत अच्छा टॉपिक एक डिस्कस करना था रिलेटेड टू माइक्रो फाइनेंस ओके एन बी एंड दी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन उससे रिलेटेड एक, आव, एक आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कुछ नया आया था अपडेशन आई थी तो उसको डिस्कस करना था कोई बात नहीं हम फिर करेंगे उसको डिस्कस चलिए पहली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं पहली न्यूज आपकी आई है फेम टू अमेंडमेंट ओके सो फेम टू अमेंडमेंट फेम क्या है फेम यहां पर आपका क्या है फेम यहां पर है आपका फास्टर एडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया ओके सो दिस इज द फास्टर एडोप एंड इंडिया अब यहाँ पर फेम इंडिया का जो सेकेंड फेज था उसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया है अब नेक्स्ट चीज जो इसमें है किसके द्वारा किया गया है कौन से डिपार्टमेंट या फिर कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ पर इन्वॉल्व है इस यहां पर फेम टू या फिर फेम टू आया तो फेम वन भी आया होगा फेज वन भी आया होगा आखिरकार ये है क्या देखिए ये है आपका जैसा इसका नाम आपको दिखा रहा है फास्टर एडोप्शन मैन्युफेक्चरिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये एक आपकी स्कीम लॉन्च की गई थी और इस स्कीम में, इस स्कीम स्कीम में में यहां पर आपका क्या किया गया था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यहां पर ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यहां पर ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने के लिए ये आपके लिए एक एडोप्ट किया गया था इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा से ज्यादा सेल किए जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज्यादा से ज्यादा परचेज किए जाए ताकि वो रोड्स पे हमारा जो पोल्यूशन का लेवल है वो भी कम हो सके और हमारी जो एनर्जी है फ्यूल विल है वो भी आपका बचा जा सके बचाया जा सके यही एक मेन मकसद था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस करना अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस तो कर दिया बट उनको यहाँ पर जो खरीदने की रफ्तार थी वो आपकी काफ़ी कम थी या फिर जो सेलर थे वो सामने नहीं आ रहे थे उनको सेल करने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे तो इसी स्कीम के तहत बहुत सारी ऐसी चीजें अपडेशन लाए गए ताकि जो मैन्युफैक्चरर है जो सेलर है जो उसको रिटेल सेल करते हैं होलसेल है एंड दी नेक्स्ट दी जो कंज्यूमर है यानी कि जो बायर है वो यहाँ पर उनको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कुछ ना कुछ फायदा हो सके तो इसी के तहत यहां पर पहले स्कीम की तरफ ही लेके चलता हूं आपको सो ये आपका स्कीम पूरी की पूरी आपकी आई थी जो मैंने आपको बताया है ठीक है सो फर्स्ट फेज ऑफ दिस स्कीम वाज इनिशियली अप्रूव्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टू इयर्स कमेंसिंग फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल 2015 एंड लेटर ऑन इट इज एक्सटेंशन अलाउड अप टू 31 मार्च 2019 तक एक्सटेंड हो गया फिर फेम का सेकेंड वर्जन आ गया ओके okay, सो so इसमें बेसिकली क्या दिया जाता है इसमें इंसेंटिव दिया जाता है इसमें इंसेंटिव दिया जाता है इसमें आप कह सकते हैं सब्सिडी दी जाती है समझ लीजिए मान लीजिए आपको एक लाख का इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने गए तो गवर्नमेंट की तरफ से फॉर एग्जांपल पंद्रह हजार पे सब्सिडी आपको पेमेंट पिचासी हजार की करनी है बाकी एट्टी फाइव बाकी फिफ्टीन थाउजेंड नहीं करनी है मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दिया है ये वेरी कर सकता है व्हीकल टू व्हीकल जो भी व्हीकल है किस तरह का व्हीकल है आपका उसके अकॉर्डिंग वो वेरी कर सकता है ओके okay, सो so अब यहाँ पर जो अमेंडमेंट आया अमेंडमेंट क्या आया है अमेंडमेंट जो मेजर अमेंडमेंट इसमें ये था जिससे ये इंडस्ट्री अभी खुश नजर आई वो था जो टू व्हीलर हैं इलेक्ट्रिक टू व्हीलरस हैं उसमें जो इंसेंटिव है वो पंद्रह हजार रुपये पर किलो वाट कर दिया गया यानी कि जो एक गाड़ी है जो इस पर्टिकुलरली पावर पे चलती है पे जो इंसेंटिव है पंद्रह हजार पे कर दिया गया है पर किलोवाट

ई एस एल विल एग्रीगेट डिमांड फॉर थ्री लाख इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स फॉर मल्टीपल यूजर सेगमेंट सो यहां पर ईई एस एल को लेकर आए हैं जो कि तीन लाख इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स यहां पर बनाएगा इलेक्ट्रिक बसेस फोर मिलियन प्लस सिटीज दैट इज मुंबई दिल्ली बेंगलुरु हैदराबाद अहमदाबाद चेन्नई कोलकाता सूरत एंड पुणे इनको यहां पर चुना गया है जहां पर इलेक्ट्रिक बसेस को रन किया जाएगा एंड ई सी एल यहाँ पर इन नो सिटीज में यहाँ पर आपका ई e बसेस के बारे में ऊपर काम करेगा ठीक है तो ये आपका दो और चीजें फर्दर इसमेंडमेंट में देखने को मिली है ठीक है ई एस एल के बारे में एक और न्यूज आएगी उसमें ई एस एल की डिटेल दे रखी है ठीक है उसमें करेंगे हम ई एस एल क्या है सो so, यहाँ पर आपकी पूरी की पूरी न्यूज अकॉर्डिंग टू मी आपको समझ में आ गई होगी बस इसमें एक चीज जो ट्रिकी वाली है वो चीज याद रखना डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री कहीं आप कुछ और डिपार्टमेंट या कोई और मिनिस्ट्री का नाम क्लिक करके आओ बट इट इज द डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री विच इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ओके, so, okay, बाकी तो क्वेश्चंस मैंने कर दिए। -E -E e okay, चल आगे चलते हैं ये फेम टू स्कीम है जो उसके बारे में पढ़ लेना जस्ट एक नॉलेज पर्पज से क्या है फेम टू और फेम वन बेसिकली जो एक बेसिक स्कीम आई थी कब आई थी क्यों आई थी ठीक है आ, ये पूरा पूरा एक टाइमलाइन दे रखी है पिक्चर के फॉर्म में कि कब आया क्या ऑब्जेक्टिव था 2013 में फिर 15 19 20 में 22 में क्या होगा तो so ये सब चीजें आपके एक सीक्वेंस में दे रखा है अच्छा आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर नहीं लेकर गया हूँ मैं आज न्यूज थोड़ी सी ज्यादा है हमारे पास तो आरबीआई अगर करूंगा तो न्यूज रह जाएंगी तो फिर आप थोड़ा सा सोच बोलते हो सर क्लास लंबी हो जाती है तो आज वैसे भी वाकई में लंबी होने वाली तो सियाल आर बी मैंने कवर नहीं किया आज आर की वेबसाइट आर की वेबसाइट हम कल कवर कर लेंगे आज हम अपनी नॉर्मल न्यूज को ही पढ़ रहे हैं ओके नेक्स्ट न्यूज जो आई है वो आई है 44 जीएसटी काउंसिल जिसको चेयर किया यूनियन मिनिस्टर आपके हैं निर्मला सीतारामन जी निर्मला सीतारामन जी 44 जीएसटी काउंसिल जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग होती है उसको चेयरपर्सन हमारे शाह आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री होते हैं कुछ प्रॉब्लम है कुछ अटेंड नहीं कर पा रही कुछ भी एमरजेंसी की वजह से बट नॉर्मली आपके जो चेयरपर्सन होते हैं एक्स ऑफिशियो आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वही आपके होते हैं ठीक है तो इन्होंने यहाँ पर अटेंड की इसमें कुछ जीएसटी रेट्स में काफी चेंजेस किए गए हैं तीस सेप्टेम्बर दो हजार इक्कीस तक तीस सेप्टेम्बर दो तक किए गए हैं मेडिसिन की बात करूं तो टोसली जुबाम एंड दी जुबम एंड दी एम्फेटोरिसिन एम्फेटोरिसिन जो जिस प्रोनाउंसिएशन जो भी करते हैं आप लोग ठीक है जो आजकल काफ़ी फेमस आपकी चल रही है उसके लिए फंगस के लिए ठीक है ब्लैक फंगस के लिए एंड दी हैपरिन रेमडेसिविर एंड दी दिस इज दी अनदर अनदर ड्रग रिकमेंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो कि सब पे ये पाँच किया गया है और जो ऊपर वाली दो हैं इन पे ही जी जीएसटी रेट निल कर दिया गया है ठीक है तो ये एक बड़ा एक फैसला सरकार की तरफ से 30 सितंबर 2021 तक यहाँ पर दवाइयों को सस्ती करने की मतलब प्राइस कम करने की कोशिश की गई है ऑक्सीजन से जुड़ी हुई चीजें यहाँ पर आपकी मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर की बात करें वेंटिलेटर वेंटिलेटर मास्क बी मशीन नजल डिवाइस ओके नेजल कैन डिवाइस दैट इज दाइव परसेंट इन सब पांच परसेंट किया गया है आपका कोविड टेस्टिंग किट इन पांच परसेंट एंडग्नोस्टिकॉस्टिकसेंट कर दिया गया है इसके अलावा पल्स ऑक्सीमीटर हैंड सैनिटाइजर टेम्परेचर चेक इक्विपमेंट गैस इलेक्ट्रिक अदर फर्निसेस एम्बुलेंस अट्ठाईस से बारह परसेंट और बाकियों पे पांच परसेंट सो ये आपका एप्लीकेबल रहेगा तीस सितंबर दो हजार इक्कीस तक ये चीज आपकी रहेगी सितंबर दो हजार इक्कीस तक रिकमेंडेशन ऑफ दी फोर्टी फोर जीएसटी काउंसिल मीटिंग अगली न्यूज आई है आई एटी ने डेवलप किया है नेशन का पहला पावर फ्री सी पैप डिवाइस जीवन वायु डिवाइस वायु विच कैन बी यूज एजस्टिट्यूट ऑफ दी पैप मशीन ओके सो यहाँ पर जो सी पैप का फुल नेम है कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर ये ट्रीटमेंट है ये एक मशीन है कह लीजिए जो कि यूज की जाती है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स हैविंग ब्रीदिंग प्रॉब्लम जिनको प्रॉब्लम है सोते वक्त सोते वक्त उनको प्रॉब्लम होती है जिसको वो स्लीप एपनिया कहते हैं उस चीज को ट्रीट करने के लिए यहाँ पर एक मशीन है मशीन का नाम सीप है दैट इज ए कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर है इस मशीन को यहाँ पर यूज किया जा सकता है ताकि सोते वक्त आपका जो आ, सांस की नली है उसमें यहाँ पर प्रॉब्लम ना आए और आप इजली ब्रीथ कर सको ठीक है इजली ब्रीथ कर सको इवन उन बच्चों के लिए भी इनको यूज किया जाता है जो बच्चे अभी पैदा हुए हैं और उनकी लंग्स जो है अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है राइट सो ये ही आपकी मशीन का एक रिप्लेसमेंट किया गया है जीवन वायु के नाम से एक डिवाइस को इस मशीन का रिप्लेसमेंट जीवन वायु करेगा ये आपका इंडिया का पहला इस तरह का डिवाइस है जो कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम करेगा एज इट अडेप्टेड टू बोथ काइंड ऑफ ऑक्सीजन जनरेशन यूनिट्स लाइक ओ टू सिलेंडर्स एंड द ऑक्सीजन पाइपलाइंस इन द हॉस्पिटल्स ठीक है सो so यहाँ पर आपका आ, ये उस तरह से काम करेगा लाइक द ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सीजन पाइपलाइन जो हॉस्पिटल में होती है और ये रिप्लेस करेगा सीपैप मशीन को जीवन वायु इलेक्ट्रिसिटी के बिना चलने वाला ये मशीन है कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर दिस के द्वारा याद रखिए आईआईटी आई रोपड़ इसमें यहां पर इन्वॉल्व है चल आगे चलते हैं पुणे बेस्ड फॉर्म कम्स अप विद विद्री डी प्रिंटेड मास्क कोटेड विद एंटी वायरल एजेंट्स ओके सो यहां पर थ्री डी प्रिंटिंग एंड फार्मास्यूटिकल्स वायरस वेन वायरल पार्टिकल्स कम्स इन कॉन्टेक्ट विद ओके ओके सो यहाँ पर ये मास्क बेसिकली मास्क के अंदर कुछ इस तरह के कंपोनेंट्स हैं जो कि आकर कोई भी वायरस रहेगा तो उसके साथ फाइट करते हैं वायरस को खत्म करते हैं डेवलप्ड बाय द पुणे बेस्ड स्टार्टअप किसके द्वारा बनाया गया पुणे में स्टार्टअप है दैट इज नेम द थिनका टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ओके सो दिस इज द स्टार्टअप नेम ऑफ द स्टार्टअप एंड दीस मॉल्स आर कोटेड विद द एंटर वायरल एंटीवायरल एजेंट्स नोन अदरवाइज एज द वायरोसाइड सो कि यहां पर ये है इसका नाम एंटी वायरल एजेंट्स नोन एज द वीरोसाइड्स इनको कहा जाता है जो वायरस के अगेंस्ट लड़ते हैं वीरोसाइडल मास्क प्रोजेक्ट इज अमंग द अर्लिएस्ट प्रोजेक्ट टू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर कमर्शियलाइजेशन बाय द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा जिसको चुना गया जो कि डिपार्टमेंट ऑफ तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर काम करता है ठीक है सो so ये मास्क बेसिकली एन95 से भी ज्यादा सेफ माने जा रहे हैं ओके okay, उनसे भी ज्यादा इसकी कैपेसिटी जो है फिल्ट्रेशन की एफिशिएंसी जो है फिल्ट्रेशन की बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन uh, की वो कहीं ज्यादा है विच इज हायर देन 95 परसेंट जो कि एन 95 को आपका पीछे छोड़ती है सो so, यहाँ पर है इंटीग्रेशन ऑफ द डी प्रिंटिंग एंड फार्मास्यूटिकल थ्री प्रिंटिंग को यूज करके यहाँ पर थिंकर टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पुणे की कंपनी ने एक ऐसा मास्क बनाया है जो कि वायरस के अगेंस्ट लड़ता है एंड ये आपका आ, 995 से भी ज़्यादा मजबूत है मजबूत मतलब ज्यादा इफेक्टिव है नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एक्सटेंशन हॉस्पिटल एंड द प्रोजेक्ट ओ दो प्रोजेक्ट लेकर आए हैं हमारा यहाँ पर ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर

दोनों के दोनों यहां पर लेकर आए हैं एंड इसके तहत जैसा आपको नाम ही दिखा रहा होगा उसी से आप समझ गए होंगे प्रोजेक्ट एक्सटेंशन हॉस्पिटल यानी कुछ हॉस्पिटल्स को यहाँ पर इंक्रीज करना बेड्स को इंक्रीज करना प्रोजेक्ट ओ टू यहाँ के ऑक्सीजन से रिलेटेड है सो तो चलिए देखते हैं क्या चीज है ये आपकी प्रोजेक्ट एक्सटेंशन हॉस्पिटल इसमें दो बीस से सौ बेडेड हॉस्पिटल दस से चार हफ्तों में दस दिन से चार हफ्तों के बीच में बनाने की बात की जा रही है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर कोविड नाइन्टीन केसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं इट इज टू डेवेल्व बाय द मोडलस हाउसिंग एक स्टार्टअप है ये किसके द्वारा बनाया जाएगा मॉडल हाउसिंग को चुना गया है उसके द्वारा बनाया जाएगा जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी मद्रास के तहत यहाँ पर काम करता है मेडिकैब मेडिकल डिवाइसेस जिसमें सारे के सारे यहाँ पर आ सकते हैं इस तरह का ये एक हॉस्पिटल बनाया गया है कहीं पर भी सेटअप किया जाएगा मेडिकैब इसको कहते हैं मेडिकैब डेवलप किया जाएगा मॉडुलस हाउसिंग के द्वारा मद्रास आई मद्रास के द्वारा ये इंक्यूबेटेड यानी उनके द्वारा फंडेड ये आपका एक स्टार्टअप है सो दिस प्रोजेक्ट एक्सटेंशन हॉस्पिटल्स 20 से 100 so बेड यहां पर 10 दिनों से लेकर चार हफ्तों के बीच में तैयार किए जा सकते हैं विद ऑल लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स ठीक है प्रोजेक्ट ओ टू क्या कहते हैं प्रोजेक्ट ओ टू आपका रिलेटेड है मेडिकल ऑक्सीजन से मेडिकल ऑक्सीजन की जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर मेडिकल ऑक्सीजन प्रोजेक्ट ओ टू लेकर आए हैं एंड प्रोजेक्ट यहाँ पर किया गया ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है किसके द्वारा लिया गया है ये डिसीजन एंड इस प्रोजेक्ट के तहत आपका एक नेशनल कंसोरशियम ऑफ ऑक्सीजन नेशनल कंसोर्सियम ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर ये यह बनाया जाएगा And is enabling the national level supply of the critical raw materials such as zeolite, setting up of small oxygen plants. मैन्युफैक्चरिंग कंप्रेशर फाइनल प्रोडक्ट्स ऑक्सीजन प्लांट्स कंसंट्रेटर्स, वेंटिलेटर्स ये सब चीजें यहाँ पर बनाई जाएंगी एंड बाय दी नेशनल कंसोर्शियम ऑफ द ऑक्सीजन ये आपका नेशनल कंसोर्शियम जो है ये आपका सब चीजों को देखेगी किस तरह की कमी कहाँ पर क्या चीज की कमी है रो मटेरियल ऑक्सीजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए वो सब चीजें यहाँ पर देखी जाएंगी प्रोजेक्ट ओ के तहत ओके सो यहाँ पर आपका जो प्रोजेक्ट ओ का जो कंसोर्शियम है जो आपका नेशनल कंसोर्शियम ऑक्सीजन है वो इन सब चीजों को देखेगा और इवन ये भी देखेगा किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को और बढ़ावा दिया जा सकता है एंड पार्टनरशिप uh, इसमें फीकी मिसा एंड बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर ये देख रखा है ले रखा लिखा हुआ है बेल है टीसीई है सी कैंप आईआईटी कानपुर आईआईटी दिल्ली आईआईटी बॉम्बे आई हैदराबाद आई एस भोपाल वेंचर सेंटर पुणे एंड मोर देन फोर्टी एमएसएमईज इस प्रोजेक्ट ओ टू का हिस्सा बनने जा रही है ओके सो दिस न्यूज रिलेटेड टू दोजेक्ट ओ टू चलिए आगे चलते हैं

जो भी इम्पोर्टेंट जो भी इम्पोर्टेंट आपका वॉर ऑपरेशन हिस्ट्री थी किसी भी तरह का ऑपरेशन हुआ था और उनके बारे में आपका प्रिजर्व करके रखना डाटा डाटा तो क्या कहेंगे उनके बारे में जो भी चीजें मतलब डिसीजन लिए गए थे क्या क्या फाइल्स थी उनको यहाँ पर आर्काइव करना अलग से उनको रखना सेफ रखना यहाँ पर

हिस्ट्री डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में फॉर प्रॉपर आपकी आर्काइवल एंड दी राइटिंग दी हिस्ट्री ओके सो आप समझ गए होंगे जो भी आपके डिसीजन जो भी आपने लिए थे जब कोई भी वॉर लड़ी गई थी बाय द सर्विसेज इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ असम राइफल इंडियन कोस्ट गार्ड इन सब के द्वारा यहाँ पर तो उन सब के रिकॉर्ड को एक ही जगह पर रखने की बात की जा रही है और यह एक जगह है वो है हिस्ट्री डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हिस्ट्री डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जहां पर यह किया गया है एंड यहां पर आपका राजनाथ सिंह जी ने इसकी आपकी घोषणा की है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डी क्लासिफिकेशन ऑफ रेस्ट विद ऑर्गेनाइजेशन इन दिस एंड एक्ट नाइनटीन थ्री पब्लिक रिकॉर्ड रूल्स ओके एंड अकॉर्डिंग टू पॉलिसी रिकॉर्ड शुड डी क्लासिफाइड एंड ट्वेंटी डी क्लासिफाइड का मतलब होता है कि उनको यहाँ पर हटा दिया जाता है रिकॉर्ड से मतलब है ही नहीं

ठीक है सो so, ये आपके इसमें से न्यूज़ आई है इसमें आपके मिनिस्ट्री पूछी जा सकती है ओके okay. और इसमें ये जो पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 1993 ये 25 ईयर्स पहले कौन सा होता था 25 साल होता था ये ईयर वही ईयर आपका आ जाएगा चलिए आगे चलते हैं इसी का एक पार्ट है यही न्यूज़ अभी पेंडिंग है और इसमें द पॉलिसी मैंडेट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमेटी मैंने अभी एक कमेटी की बात अच्छा कमेटी की बात नहीं है इसमें एक कमेटी बनाई जाएगी जिसको हेड करेंगे ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ओके और बहुत सारे और अलग अलग लोग सर्विसेस से एम ई से एम से एक्सटर्नल अफेयर्स होम अफेयर्स एम एंड दी अदर दर्गेनाइजेशन से होंगे जो कि इसमें आपका यहाँ पर अहम है, रोल निभाएंगे इसमें आपके टाइमलाइंस बता रखे हैं कि इतने वक्त तक ये सब चीजें हो जानी चाहिए कब कब होगा क्या क्या होगा एंड देयर कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड कंपाइलेशन शुड बी कम्पलीटेड इन थ्री ईयर्स जब यह पॉलिसी आ चुकी है अब इस काम को जो पहले हमारे पास पड़ी हैं सब चीजें उनको लेकर आना उनको मंगवाना यह सब काम तीन साल में हो जाना चाहिए ठीक है और ये आपका डी क्लासिफिकेशन जो आपका वॉर रिकॉर्ड्स का ये आपकी एक हिस्ट्री आपका रिकमेंड किया गया था कारगिल रिव्यू कमेटी जिसको हेड किया था के सुब्रमण्यम ने के सुब्रमण्यम ने जिसको यहाँ पर आपका रिकमेंड किया था एज वेल एज द एन एन वोरा कमेटी ने भी इसको रिकमेंड किया था यहाँ पर और इसके बाद अब जाकर इनकी रिकमेंडेशन पे इनकी रिकमेंडेशन पे ये चीज आपकी इंप्लीमेंट की गई तो यहाँ पर कारगिल रिव्यू कमेटी बाय के सुब्रमण्यम याद रखेगा एन एन वोरा कमेटी ये दोनों कमेटी के नाम याद रखेगा जो कि इसके पीछे आपकी इन्वॉल्व है नेक्स्ट चलते हैं हम युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान टू रेज अवेयरनेस अमंग पीपल ऑन कोविड अंडर द द कैंपेन कॉलेज टीचर्स एंड अबाउट स्टूडेंट्स विल बी मेड अवेयर ऑफ अमंगज टीचर लैक्टिन इफेक्शन यहाँ पर मध्य प्रदेश में युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान यहाँ पर बच्चों को कॉलेज टीचर्स को बच्चों को नहीं सोलह लाख स्टूडेंट्स को कह सकते हैं इनको यहाँ पर अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी मध्य प्रदेश में युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान मुक्ति अभियान

रियुमेटोइड अर्थराइटिस बेसिकली अर्थराइटिस जो डिजीज है उसके लिए यहाँ पर काम करेगा दैट इज ए प्रांत सोल्यूशन एंड दूसरा है जियोन इम्प्लांट ये भी उसी से रिलेटेड आपका है अर्थराइट्रिस इसके अलावा यहाँ पर लेजन इंजरी ऑफ 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 द अपर लिम्स अ पर्सन इसमें एंड टेक्नोलॉजी बेसिकली ये दोनों तो हैं तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये दोनों फॉर्म है आर एंड डी में इन्वॉल्व ठीक है ये ट्रांसफर टेक्नोलॉजी अनन्या टेक्नोलॉजी क्या करेगा नन्या टेक्नोलॉजी यहाँ पर रशिया से रशिया से यहाँ पर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेगा फॉर ज्वाइंट डेवलपमेंट ऑफ दी एक टेक्नोलॉजी यहाँ पर बनाई जा रही है एक सिस्टम बनाया जा रहा है दैट इज इंटीग्रेटेड स्टैंड बाय इंस्ट्रूमेंट सिस्टम एंड एसोसिएटेड टेस्ट इक्विपमेंट विद देयर रशियन काउंटर पार्ट ओके सो इसके साथ मिलकर ये आपकी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है सो so ये दोनों के दोनों देशों के बीच में तीनों आपके कंपनीज का टाई अप हुआ है द इंडिया रशिया जॉइंट टेक्नोलॉजी सस्पेंड एक्सेलरेटेड कमर्शलाइज प्रोग्राम ये लॉन्च किया गया कि था जुलाई 2000

ठीक है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स भी इसमें इंप्लीमेंटिंग एजेंसी के फॉर्म में यहां पर सामने आया है डीएसटी के बिहाफ पर सो दिस इंडिया रशिया ज्वाइंट टेक्नोलॉजी असेसमेंट हैज है सी एस आई आर इन पार्टनरशिप विद द लग लाइफ साइंस हैज रिसीव्ड रेगुलेटरी अप्रूवल टू अंडरटेक क्लिनिकल ट्रायल्स ऑन कोविड 19 पेशेंट विद दी साइन ओके सो पर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च दैट इज सी एस आई आर सी एस आई आर ने हाथ मिलाया साथ जो कि हैदराबाद का है इन्होंने यहाँ पर हाथ मिलाया है एंड हैव गिवन द रेगुलेटरी अप्रूवल बाय डी डीसीजीआई इसको डीसीजीआई सी अप्रूवल भी मिल गया है एंड इसके तहत यहाँ पर आपका साइन जो है कोलसी साइन बोलते हैं साइन जो भी है यहां पर इसकी यहाँ पर एक ट्रायल किया जाएगा ओके okay, इसके रिलेटेड एक ट्रायल किया जाएगा ये आपकी ड्रग है आपकी और इस ड्रग को यहाँ पर टेस्टिंग करने के लिए सीएसआईआर के द्वारा यहाँ पर लग्जाई लाइफ साइंस के साथ टाइप किया गया सीएसआईआर का दैट इज हैदराबाद एंड दी सीएसआईआर एस जम्मू ये दो है आपके इंस्टीट्यूशन और सी एस आई आर की बात करूँ तो ये आपके चारों के स्टैटिक फैक्ट आपके लिखे हुए पढ़ लीजिएगा सो so, एग्जाम में लग्जाई लाइफ साइंसेज के बारे में पूछ सकते हैं सी एस आई किसके साथ टाइप किया लगजाई लाइफ साइंसेज के साथ अगर पर्टिकुलरली यहाँ पर बात आए वहाँ पर क्वेश्चन में कौन सी साइन क्योंकि लास्ट दिनों में सी एस आई आर ने बहुत सारे टाई अप किए हैं तो कौन सा किसके साथ किया तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये मेडिसिन की बात कर लेना ड्रग का नाम अगर क्वेश्चन में आ जाता है फिर तो लग्जाई ही है ड्रग का नाम नहीं आता कुछ और आता है तो वो क्वेश्चन डाउटफुल हो सकता है उस क्वेश्चन का आंसर और कुछ हो सकता है लग्जाई के अलावा नेक्स्ट है ईसीएल ने पार्टनर किया मिकोन के साथ मिकोन आपका यहाँ पर है दैट इज ए मेट्रोलॉजिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट रांची का एक रांची कंपनी है यहाँ पर अतुल भट्ट जिसके सीएम है चेयरपर्सन है यहाँ पर आपका और इन्होंने ईएसएल ने यहाँ पर टाइप किया है आपका मिकोन के साथ और इस मिकोन के साथ टाइप में क्या करेगा टू इंप्लीमेंट दी एनर्जी एफिशिएंट एंड दी क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन इन दी स्टील एंड माइनिंग इंडस्ट्री सो यहाँ पर स्टील एंड माइनिंग इंडस्ट्री इन्वॉल्व है ओके सो ये मिनिस्ट्री कौन से इन्वॉल्व है दैट इज स्टील एंड माइनिंग इंडस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है एंड ये आपका कुछ नया इनोवेट करेंगे मिलकर जिसमें आपके एनर्जी एफिशिएंट हो सकते हैं ये आपकी नई टेक्नोलॉजी इनकी क्लीन एनर्जी पॉल्यूशन ना क्रिएट करने वाली हो सकती है यही चीज के ऊपर दोनों के दोनों मिलकर काम करेंगे और ये मिनिस्ट्री कौन सी है स्टील एंड माइनिंग इंडस्ट्री है जहाँ पर आप सॉरी मैं मिनिस्ट्री बोल रहा हूँ क्या बार बार शायद मिनिस्ट्री बोल रहा हूँ ओके okay. मिनिस्ट्री नहीं इंडस्ट्री है सॉरी सो स्टील एंड माइनिंग इंडस्ट्री है यहाँ पर जिसमें आपका इन्वॉल्व है ईएसएल की बात करें तो जॉइंट वेंचर है ओन्ड बाय द सी लिमिटेड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन पावर ग्रिड इनका जॉइंट वेंचर है आपका नई दिल्ली में है राजीव शर्मा चेयर है अगली न्यूज़ है हम आपके सेवंथ नेशनल पार्क ऑफ दी असम असम गवर्नमेंट है दिहिंग पटकाई एज द नेशनल पार्क ओके दिहिंग पटकाई को आपका नेशनल पार्क घोषित किया गया है हाल ही में यहाँ पर आपका और इसी के साथ यहाँ पर सात नेशनल पार्क हो चुके हैं रिसेंटली रायमोना नेशनल पार्क भी एक सामने आया था रायमोना नेशनल पार्क भी यहाँ पर घोषित किया गया था एंड आफ्टर दैट इस को घोषित करने कुछ दिन बाद ही यहाँ पर असम का एक और नेशनल पार्क सामने आया है दिस इज दब

रिजर्व भी है दिस इज नेशनल पार्क ऑफ दी असम नेक्स्ट चलते हैं हम देवीका रिवर नेशनल पार्क इन जम्मू कश्मीर इसके बारे में यहां पर एक न्यूज आई है ओके okay, सो so ये आपके अभी चर्चा में था ये आपका सेंट्रली फंडेड प्रोजेक्ट है यानी कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है 190 करोड़ रुपीस नेशनल रिवल कंजर्वेशन प्लान देविका प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर यहाँ पर आपके घाट्स बनाने की बात की जा रही है देविका नदी के किनारे पर यहाँ पर डेवलप किए जाएंगे एंड दी एनरोचमेंट किसी भी तरह की अगर कुछ इलीगल है वहाँ पर कर रखा है क्या कहते हैं उसको दुकान वकान बना रखी है किसी ने कुछ कर रखा है टेम्परेरी दुकान परमानेंट कुछ भी तो उसको यहाँ पर हटा दिया जाएगा एंड द प्रोजेक्ट इंक्लूड्स दी कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्री सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स भी यहाँ पर बनाए जाएंगे पानी को साफ करने के लिए या फिर सीवरेज को स, uh, करने के लिए ट्रीट ऑफ दी एट एम एल डी चार एम कैपेसिटी सीवरेज नेटवर्क ऑफ वन किलोमीटर दो क्रीमेशन घाट जहां पर अंतिम संस्कार किया जा सकता है प्रोडक्शन फेंसिंग एंड लैंडस्केपिंग स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स एंड थ्री सोलर पावर प्लांट्स ये सब चीजें यहां पर इस पर्टिकुलरली एरिया में एस्टेब्लिश की जाएंगी द देवी रिवर ऑल्सो होल्ड ग्रेट रिलीजियसा गंगा कहा जाता हैदी की यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र यहाँ पर पहुंचे थे इस मौके पर. इसलिए न्यूज दोबारा से चर्चा में है क्योंकि न्यूज ऐसे नहीं चर्चा में है, कुछ इसके लिए फंडिंग नहीं दी गई कि वहां पर जो भी इस पे वर्क चल रहा है उसकी प्रोग्रेस को देखने के लिए हमारे देश के जो यूनियन मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी वहां पर आपके गए थे ठीक है उसकी प्रोग्रेस को देखने के लिए किस तरह से ये काम चल रहा है और उसी के लिए न्यूज भी आई चर्चा में आ गई कि आखिरकार ये क्या है दिस देविका रिवर नेशनल प्रोजेक्ट कहाँ पर है ये इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर में है ये पूछा जा सकता है आपसे ओके सेकंड पैराग्राफ में से इतने क्वेश्चन नहीं बनेंगे जितने फर्स्ट और लास्ट में से बन सकते हैं कि कौन है कौन गया था एंड द रिवर गंगा की सिस्टर दैट इज देविका नदी नेक्स्ट न्यूज आई है कि मई में पिछले 121 सालों में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेनफॉल देखने को मिला सेकंड हाईएस्ट रेनफॉल इन 121 ट्वेंटी वन आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा ये कहा गया है आई एम डी ऑल्सो हाईलाइट एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ थर्टी डिग्री सेल्सियस ओवर इंडिया दिस मई ओके सो ये आपका टेम्परेचर एवरेज यहाँ पर आया और रेनफॉल की यहां पर बात करें तो टेम्परेचर रिसर्च सॉरी ये टेम्परेचर की है ये आपका टेम्परेचर 33.84 था 1977 में ये भी हाईएस्ट है रेनफॉल की बात करें तो मई महीने में ये 107.9 मिलीमीटर mm सेवन हुए थे जो कि 74 परसेंट ज़्यादा है आपकी अगर जो हम एवरेज निकालते हैं और वो एवरेज निकलता है 62 टू एम एम का एंड दाइए रेनफॉल वॉज अकर्ड इन ईयर नाइनटीन जब एक सौ दस की हुई थी और उसके बाद जाकर अब एक सालों में ये आपका इसने फिगर जो है वो तकरीबन 107.9 मिलीमीटर टच किया है और ये मई मंथ की आपकी सबसे ज्यादा है और अपनी जो एवरेज है उससे भी कहीं ज्यादा है एवरेज 62 मिलीमीटर थी और ये आपका 107.9 मिलीमीटर को इसने टच किया है दैट इज द डाटा गिवन बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ओके इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा ये डाटा आपका दिया गया है ओके okay. इसरो इसरोल्प थ्री टाइप्स ऑफ वेंटिलेटर्स इसरो तीन तरीके के वेंटिलेटर्स डेवेल्प किए हैं प्रणा वायु एंड ओके प्रणा वायु एंड ये किए गए प्रणा क्या पूरा नाम है प्रोग्रामेबल रेस्पिरेटरी असिस्टेंट फॉर द नीडी एड ओके सो ये है आपका प्रोग्रामेबल रेस्पिरेटरी असिस्टेंट फॉर दीडी एड ये आपका लो कॉस्ट एंड पोर्टेबल क्रिटिकल केयर वेंटिलेटर है बेस्ड ऑन द ऑटोमेटिक देशर ऑफ एन आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट बैग ये आपका किया जाएगा इसको यूज दिस इज बेसिकली वेंटिलेटर टाइप चीज है वेंटिलेशन असिस्ट यूनिट यहाँ पर आपका इज एन आईसीयू ग्रेड पॉजिटिव प्रेशर मैकेटर एंड स्पेसलेटर ट्रोमा तीन तरीके के द्वारा डेवलप किया गया इस द्वारा डेवलप किए गए तीन वेंटिलेटर तीनों का नाम तीनों का पूरा नाम याद रख लेना ओके okay. क्योंकि इनके सबके फुल नेम है आपके दैट इज ए प्रणाम वायु एंड द स्वस्था किसके द्वारा डेवेल्प किया गया इसरो के द्वारा डेवेल्प किया गया है ठीक है ओके गूगल यहाँ पर बनाने जा रहा है दुनिया का सबसे लंबा अंडर सी केबल इन दर्ल्ड सो अल्फावेट की कंपनी गूगल इज ऑल सेट टू बिल्ड वर्ल्ड लोंगेस्ट अंडर सी केबल ओके okay. दुनिया की लॉन्गेस्ट अंडर सी केबल जिसमें आपका यूनाइटेड स्टेट्स ब्राजील अर्जेंटीना उर्ग्वे को यहां पर कनेक्ट किया जाएगा दिस अंडर सी केबल विल बूस्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी इंटरनेट कनेक्टिविटी को यहाँ पर इंप्रूव करने के लिए इसमें यहाँ पर बारह फाइबर पेयर्स विच विल कैरी ट्रैफिक क्विकली एंड सिक्योरली बिटवीन दी नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ये बेसिकली सारे के सारे कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट्स नॉर्थ में आ जाता है ये ब्राजील ब्राजील जो कंट्रीज हैं ये साउथ में चली जाती हैं तो ये नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से कनेक्ट करने के लिए ऐसे 12 फाइबर्स यहाँ पर पेयर्स जो है वो यहाँ पर लगाए जाएंगे अंडर सी केबल रहेगी और इसका नाम रखा है फिरमीनिया इसका नाम क्या रखा है फिरमीनिया इसका नाम रखा गया है यहाँ पर और ये यहाँ पर नाम इसका इंपॉर्टेंट है किसके द्वारा गूगल के द्वारा गूगल के द्वारा किया जा रहा है कौन कौन सी कंट्रीज को कनेक्ट करने के लिए यूएस ब्राजील अर्जेंटीना एंड उरुग्वे ये चारों नाम याद रख लेना गूगल एंड नेम इज़ राइट यूएनजी एनजी अप्रूव्स डिक्लेरेशन टू एंड एड्स बाई द्वेंटी थर्टी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अप्रूव किया एक डिक्लेरेशन जिसके तहत उन्होंने कहा है जो अक्वायर्ड इम्यून डेफिशियंसी सिंड्रम है एड्स है इसको 2030 तक यहां पर

अप्रूव किया है यहाँ पर आपका एड्स बाय 2030 2030 याद रख लेगा एंड इसके का एक डिपार्टमेंट यू एन एड्स है यहाँ पर जो की जिसका ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स ओके ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स ट्रैक्स दी मूवमेंट इन दी मेन स्ट्रीम रेजिडेंशियल अक्रॉस मोर देन 55 कंट्रीज एंड टेररिस्ट रेजिडेंशियलिस्ट टेरिटरीज वर्ल्ड वाइड ओके सो यहां पर रेजिडेंशियल प्राइस को देखता है और ये नाइट फ्रैंक के द्वारा दिया जाता है ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में टर्की ने यहाँ पर टॉप किया है एवरेज यहाँ पर टोटल 56 पर 55 लिखा, तो मत पर 55 है। वैसे ही सिक्स कंट्रीज की जाती है जिसमें एवरेज ग्रोथ जो देखने को मिली है पिछले साल के मुकाबले फाइव 56 सिक्स परसेंट से यहाँ पर इंक्रीज ही देखने को मिला न्यूजीलैंड उसके बाद रहा यहाँ पर न्यूजीलैंड और इंडिया का जो स्थान है वो यहाँ पर आपका फिफ्टी फिफ्थ पोजिशन पे रहा आपका इंडिया का स्थान चलिए इसको डिटेल में देखते हैं सॉरी yeah, रहा इंडिया फिर से गलत बोल रहा हूँ फिफ्टी फोर्थ रहा था क्वार्टर टू 54th रहा था क्वार्टर थ्री और अब जो क्वार्टर फोर का डाटा है यानी कि क्वार्टर फोर कौन सा हुआ जनवरी फरवरी मार्च 2020 जनवरी फरवरी मार्च 2020 यहां पर ये यह जो डाटा है यहां पर आपका विद द डिक्लाइन ऑफ 1.6 परसेंट ईयर ऑन ईयर यानी कि पिछले साल के मुकाबले इस साल इसमें एक दशमलव छ प्रतिशत का गिरावट देखने को मिली है होम प्राइसेस में एंड ये कहा है नाइट फ्रैंक की रिसर्च रिपोर्ट द नेम इज गिवन एज ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स क्वार्टर 1 2021 ओके सो यहां पर ये रिपोर्ट के अनुसार ये चीज की गई है और इसमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है और यहाँ पर आपका कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे लाइन मिसिंग है यहां पर इस न्यूज़ में इंडिया की रैंक 55 थी इसमें 56 तो लास्ट टाइम थी ठीक है ओके सो इंडिया की रैंक ये लास्ट टाइम भी दे रखी है क्वार्टर टू में फिर 54 क्वार्टर थ्री में फिर 56 क्वार्टर फोर में और अब जो रैंकिंग आई है वो क्वार्टर वन यानी कि अप्रैल मई जून तो अभी हुआ नहीं है कुछ कंफ्यूजन है मुझे इस न्यूज न्यूज में मैं न्यूज़ को ना दोबारा करवाऊंगा एक बार थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है एक बार ठीक है दोबारा से रिवाइज करेंगे इस न्यूज को टर्की इसमें टॉप पे रहा है, ये सही है न्यूजीलैंड इसमें सेकेंड पे रहा ये भी सही है और लग्जमबर्ग आपका तीसरे स्थान पर रहा है और स्पेन आपका सबसे वीकेस्ट रहा है जहां पर आपका हाउस uh, प्राइसेज जो है यहाँ पर काफी ज्यादा गिरे है शीशिर बैजल इंडिया के जो नाइट फ्रैंक इंडिया है उसके सी एम डी है सो okay, so ये है आपके सी एम डी शीशिर बाजाल बाकी डाटा सही है थोड़ा सा मुझे लगता है एक आधी कोई लाइन ऊपर नीचे हुई है कहीं तो इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है कौन से क्वार्टर का डाटा क्वार्टर क्वार्टर वैसे तो one, ट्वेंटी वन का डाटा दे है बट स्टिल आई विल कंफर्म दैट टॉप टर्की ने किया है सेकंड न्यूजीलैंड रहा है थर्ड आपका लग्जमबर्ग रहा है सबसे नीचे स्पेन रहा है और इंडिया करेंगे सेकंड लास्ट रहा है ठीक है दैट इज ओनली दी फिफ्टी फिफ्थ ओके चलिए आगे चलते हैं अप्रूव टू एक्वायर डी एच एफ एल सो यहाँ पर पेरामल कैपिटल एंड दी हाउसिंग फाइनेंसिडी ऑफ द पिराल एंटरप्राइजेस इसको यहाँ पर अप्रूवल मिला है एनसीएलटी के द्वारा ताकि वो दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को खरीद सके 3.7250 करोड़ में सो सैंतीस हजार दो सौ पचास करोड़ में यहाँ पर अब यहाँ पर पिराल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस जो है वो दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड यानी कि डीएचएफएल जो पिछले दिन फ्रॉड भी हुआ था आपने देखा होगा अगर आपने आरबी क्लास अटेंड की तो उसमें मैंने जो फ्रॉड के बारे में बताए थे तो उसमें डीएचएफएल भी शामिल था ठीक है उसका डीएचएफएल का फ्रॉड भी मैंने डिस्कस किया था आखिरकार क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था पूरा पूरा आपको डिटेल में बताया था सो यहाँ पर आपका डीएचएफएल एन और अब यहाँ पर हम ऑलरेडी आरबी वेबसाइट से इस न्यूज को कर चुके हैं आपको याद होगा बीबीपीएस के बारे में हम पांच कैटेगरीज में ऑलरेडी इन्वॉल्व था और अब जाकर यहाँ पर मोबाइल रिचार्जेस को भी यहाँ पर इसमें शामिल कर लिया गया है मोबाइल रिचार्जेस को एज अ बिलर की कैटेगरी में ठीक है तो ये उस दिन इंक्लूड नहीं की थी मैंने पी डी पी, आज मैंने इंक्लूड कर दी तो ये आपके लिए ऑलरेडी हम कर चुके हैं न्यूज है, ये एस बी आई के द्वारा कवच नाम का एक पर्सनल लोन फॉर कोविड ट्रीटमेंट लॉन्च किया गया है बेसिकली ये न्यूज मैंने जो कवर की है ये सामने आपके एस बी आई कवच है इस तरह की जो स्कीम्स है सभी बैंक्स के द्वारा लॉन्च की है ऐसा नहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने के लिए की है बट स्टिल अगर

पर्सनल लोन कोविड ट्रीटमेंट के लिए किया गया ये नॉर्मली सभी बैंक्स के लिए किया गया सभी बैंक्स के द्वारा इसको यूज किया गया है और उसमें एसबीआई के द्वारा तो इसलिए मैंने एसबीआई कवर कराया बाकी आप ऐसा नहीं है कि सभी बैंक्स का मैं कवर कराऊंगा नो देर इज नो सच बट एसबीआई की जरूरत है क्योंकि एस बी के एग्जाम है ओके सो यहाँ पर बेसिकली जो पर्सनल लोन दिया गया ये किस लिए दिया गया ये पर्सनल लोन आपका दिया है कोविड ट्रीटमेंट में यानी कि आप कोविड के जो ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हैं आपके पास पैसा नहीं है तो वो पैसा आप ले सकते हो एक बार बैंक से यहां पर आपका और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.50 परसेंट है मैक्सिमम पांच लाख तक ले सकते हो मिनिमम आपका पच्चीस हजार तक आप ले सकते हो इसमें इसमें आपका रीपेमेंट जो है साठ महीने का है इंक्लूडिंग थ्री मंथ मॉरेटोरियम यानी साठ महीनों में यानी कि आपको इसको चुकाना है आपको बारह पांच साठ पांच सालों में इसको चुकाना है वापस लोन को जिसमें तीन साल तीन महीने महीने तक आपको कुछ नहीं देना तीन बाद आपकी जो आई है वो शुरू होगी और इसके लिए COVID -Positive रिपोर्ट आपकी बेसिकली चाहिए COVID -Positive रह चुके हैं कोविड पॉजिटिव है तभी आपको इसकी ट्रीटमेंट के लिए फंडिंग मिलेगी राइट ओके सो यहाँ पर लिखा हुआ है सारा इट इज अ कोलेट्रल फ्री लोन ओके किसी भी तरह का आपका प्रॉपर्टी या कोई भी चीज गिरवी नहीं रखी जाएगी आपकी and the called the coverage personal loan to provide the financial assistance to its customer to manage the covid treatment related expenses okay so ye 25000 se 5 lakh minimum and the maximum amount aapki itni hai state bank of india ke dwara okay chaliye aage chalte hain hum सेबी ने बार किया है franklin टेम्पलेटन amc एंड the vivek कुदवा सो so यहां पर सेबी के द्वारा यहां पर बैन लगाया ban किया गया franklin टेम्पलेटन asset management company पे फ्रॉम लॉन्चिंग दी डेट स्कीम्स ओके सो यहां पर आपका डेट uh, स्कीम्स को यहाँ पर लॉन्च नहीं कर पाएगी दो सालों के लिए और उसमें पांच करोड़ का फाइन लगाएगा और इवन उसको कहा गया कि अपने जो छह डेट स्कीम्स आपकी उसको बंद कर दीजिए ख़त्म कर दीजिए उसका जो पांच सत्रह करोड़ है वो भी आप चुका दीजिए ओके okay. म्यूचुअल फंड कंपनी है आपकी ये म्यूचुअल फंड कंपनी बेसिकली काफी सारे प्रोडक्ट्स लेकर आती है इक्विटी प्रोडक्ट्स उसके डेट प्रोडक्ट्स हैं आपके बैलेंस फंड्स हैं सुन डेट फंड में क्या किया जाता है डेट फंड में पैसा आपका जो लगाया जाता है वो उन्हीं में लगाया जाता है जो कि लोन के फॉर्म में रहता है जिसमें आपका फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहता है फिक्स इंटरेस्ट मिलता है तो ऐसे कोई ऐसे प्रोडक्ट जो कि फ्रेंकलिन टेम्पल्टन एसेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा जो लॉन्च किए गए थे उनपे दो साल का बैन लगाया गया है पांच करोड़ का फाइन लगाया गया फदर कहा गया कि करोड़ रुपए आप इसमें चुकाइए। एंड इसके अलावा जो विवेक जी हैं, जो कि पूर्व हेड हैं एशिया पैसिफिक एरिया रीजन के फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के उनकी वाइफ रूपा इन दोनों पे भी बैन लगाया गया है कि उस मार्केट में जो सिक्योरिटी मार्केट है जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जो भी शेयर मार्केट इक्विटी मार्केट जिसको कहते हैं वहां पर वो फंडिंग वहां पर वो आपका इन्वेस्ट या फिर वहां पर ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे अगले एक सालों के लिए और उनपे भी सात करोड़ का फाइन लगाया गया है ओके सो पेनल्टी ऑफ सेवन करोड़ और इन्होंने बेसिकली क्या किया था इन्होंने फ्रेंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड स्कीम के रिलेटेड जो भी इनसाइडर इंफॉर्मेशन थी जो कि केवल और केवल इन्हीं को मालूम होती है उस उस के कारण या फिर उस चीज को मिस उस इनसाइडर इंफॉर्मेशन यूज करके इन्होंने उनकी यूनिट्स को उनके जो डेट स्कीम की यूनिट्स हैं उनको सेल किया ताकि उनको मुनाफा हो सके राइट टाइम और बाद में उन्होंने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन लीक की जिसकी वजह से वो प्राइसेस गिर गए और यहां पर उनको फायदा हो गया पहले ही सो so इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन जिसको हम इनसाइडर ट्रेडिंग बेसिकली कहते हैं ठीक है वो इनके पास थी यहाँ पर विवेक कुदवा उनकी वाइफ और उन्होंने इसका मौके का फायदा उठाया और फाइनली अब जाकर सेबी ने फ्रेंकलिन टेम्पल्टन ई एंड विवेक कुदवा पर यह कार्रवाई आपकी की है ठीक है अक्षय कुमार ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के ओके इनको बनाया गया माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन का क्या ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है अक्षय कुमार जी को बनाया गया अक्षय कुमार जी इज ऑल्सो द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द होंडा पॉलिसी बाजार बहुत सारी एडवर्टीजमेंट में आपने अक्षय कुमार जी को देखा होगा यहाँ पर आपका एंड दी माई लैब ने हाल ही में क्या किया था इंडिया के पहली कोविड 19 सेल्फ टेस्ट किट कोवि सेल्फ भी बनाई थी कोविड सेल्फ इन्होंने हाल ही में बनाई थी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन जो कि पुणे में है इसके डायरेक्टर हसमुख परवल है माई okay. लैब के माई लैब ने एक सेल्फ टेस्ट किट बनाई है कोवी सेल्फ नाम की डिप्लोमैट के नागराज नायडू एज द चीफ डी कैबिनेट ओके सो यहां पर आपका इंडियन एम्बेसडर इंडिया एम्बेसर हैं डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशंस इनको शेफ डी कैबिनेट एक उपाधि दी गई है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में यहाँ पर इनको उपाधि दी गई है ये है काकानूर नागराज नायडू के एन नायडू जी इनको ये चुना गया है चुना किसने है चुना है अब्दुल्ला शाहिद जो कि फॉरेन मिनिस्टर है मालदीव्स के ऑल्सो प्रेसिडेंट हैं फिलहाल 76 सिक्स यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इनके द्वारा इनको चुना गया है अब्दुल्ला शाहिद जी के द्वारा किसको चुना गया है के नागराज जी को चुना गया है इसके अलावा मालदीव्स के जो हैं थिलमेज़ा हुसैन वहाँ के जो एम उनको स्पेशल इन्वाय ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली मीन्स जो ये प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला शाहिद इनके साथ यहाँ पर इनके साथ मिलकर काम करेंगे दैट इज द नेम इज द तिलमीजा हुसैन और अब ये डीके नागराज इंडिया की तरफ से नेक्स्ट चलते हैं हम इजराइल काफी चर्चा में रहने के बाद इजराइल में एक बार 12 सालों बाद सरकार पलटी ओके 12 साल तक बेंजामिन नितिन हाँ यहां यहाँ पर सरकार में बने रहे थे प्राइम मिनिस्टर बने रहे थे और अब उनकी जगह ली है नफ्ताली बैन नफ्ताली बैन उनकी जगह यहाँ पर ली है नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं इसराइल हैज रिप्लेस बेंजामिन को फाउंडेड एन एंटी फ्रॉड सॉफ्टवेयर कंपनी जिसका नाम केवता था 1999 में इन्होंने फाउंड किया गया था और अगर मैं बात करूं तो इंडिया आपका सबसे लार्जेस्ट बायर है इसराइल की तरफ से इंडिया सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है और अगर मैं ओवरऑल इंडिया की बात करूं तो इंडिया का सबसे ज्यादा हथियार रशिया से आता है इसराइल दूसरे स्थान पर है और इसराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वो इंडिया उसका लार्जेस्ट बायर है सो दैट इज नफतली बैनत नए प्राइम मिनिस्टर इसराइल के कयोता जो कंपनी है उसको को फॉन्ड किया था एंड ही सर्वड हियर सी डिफेंस मिनिस्टर के फॉर्म में काम कर चुके हैं ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हेनरी मैरी डोन्द्रा इनको चुना गया है आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हेनरी मैरी

और क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के हैं वो बेसिकली टॉप कर रहे हैं विद वन जीरो थ्री इंटरनेशनल गोल्स के साथ ओके सो यहां पर इन्होंने पीछे छोड़ा सुनील छेत्री जी ने जो कि इंडिया से ही बिलोंग करते हैं आपके और फिफा ट्वेंटी ट्वेंटी टू वर्ल्ड कप क्वालिफायर बांग्लादेश के अगेंस्ट तियान मैन स्क्वायर द मेकिंग ऑफ द प्रोटेस्ट द बुक आई है सामने एक तियान मैन स्क्वायर द मेकिंग ऑफ प्रोटेस्ट ऑथर किया है फॉर्मर इंडियन फॉर्मर सेक्रेटरी विजय गोखले जी के द्वारा विजय गोखले जी के द्वारा किया गया है Basically square, ये आपका चाइना का एक इवेंट था आपको याद होगा लास्ट ईयर एक न्यूज आई थी अगर आप कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं तो आप एक पिक्चर थी एक पिक्चर थी जिसमें यहाँ पर एक आदमी और टैंक्स यहाँ पर टैंक्स आ रहे थे ओके और उसके आगे एक आदमी यहाँ पर एक खड़ा हो गया था आकर ठीक है ये एक चुराहा है सेंटर है आपका कह सकते हैं चाइना के यहाँ पर आपका मैन स्क्वायर जैसे आपके गवां में चौंक होता है वैसे ही वो है यहाँ पर और ये पिक्चर जो क्लिक की थी उस पिक्चर को यहाँ पर कुछ अवार्ड दिया गया था समथिंग लाइक दिस ये न्यूज आई थी सो तो वो मैन स्क्वायर की ही पिक्चर थी तो मैन स्क्वायर के ऊपर यहाँ पर एक बुक विजय गोखले जी के द्वारा लिखी गई और विजय गोखले को माना जाता है कि काफी अहम भूमिका निभा रहे थे ये आपका जब ये प्रेजेंट थे जब ये आ, चाइना के साथ किसी भी तरह के डिप्लोमेटिक रिलेशन या कुछ भी विजय गोखले जी की जो कार्यकाल में काफी अलग तरीके से चलता था ओके विजय गोखले काफी ज्यादा वहां पर माना जाता है कि चाइना के बारे में काफी कुछ ये नॉलेज रखते हैं सो विजय केशव गोखले थर्टी सेकेंड फॉरेन सेक्रेटरी इंडिया के राइट नेक्स्ट चलते हैं बॉक्सर एंड डिंको डिंको सिंह पास डब ओके सो पूर्व एशिया गेम गोल्ड मेडलिस्ट नैग डिंको सिंह मणिपुर से हैं, इनका निधन हो गया गोल्ड मेडल जीता नाइनटीन नाइनटी के एशियन गेम्स में, मणिपुर का पहला एशियन गोल्ड मेडलिस्ट था अर्जुन अवार्ड मिला था 1998 में पद्मश्री दो में ही हैज़ बिन सर्विंग एज ए कोच इन इंडियन नेवी कोच भी रह चुके हैं इंडियन नेवी के फिल्म डायरेक्टर बुद्धा देव दास गुप्ता इनका निधन हो गया बंगाली फिल्म डायरेक्टर हैं, पोइट हैं बुद्धा देव दास गुप्ता इनका हाल ही में निधन हो गया नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म बहादुर चराचर, लाल दर्जा मुंदे मेरी उन एंड दी काल पुरुष आपकी कुछ मूवीज जिनके लिए उनको बेस्ट फीचर फिल्म मिला बेस्ट फीचर फिल्म इन बंगाली के लिए इन दोनों को मिला यहाँ पर बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड इनको इन दो मूवीज के लिए मिला लाइफ टाइम अचीव उनको स्पेन के द्वारा यहाँ पर दिया गया था दो में एंड गोल्डन एथेना अवार्ड एथेंस के द्वारा यहाँ पर दो में दिया गया था ओके सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडे सेशन उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा ठीक है सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर करके जाइएगा और कमेंट सेक्शन बताइएगा और उम्मीद करता तो हूँ आपने आरबीए की क्रैकर को सीरीज को कंटिन्यू कर लिया होगा अगर नहीं पता तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है कल से तो डेली बेसिस पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू कर दो आर आर बी क्रैक कर को सीरीज के ठीक है अब ऑफ़र भी खत्म हो चुका है सब कुछ ऑफर खत्म हो चुका है मैंने जिनको ऑफर देना था कल तक अवेलेबल था कि एनअल मॉक टेस्ट खरीदते हो तो वो चीज़ अवेलेबल थी आपकी आप उसको परचेज कर सकते आपको फ्री मिल जाता वो अब वो चीज़ नहीं रहेगी ठीक है तो यहाँ पर अगर आपको वैसे आपने ले लिया है तो प्रैक्टिस जरूर करना और क्रॉसवर्ड के एम जो भी आ रहे हैं डेली बेसिस आ रहे हैं टेस्ट आ रहे हैं वीकली टेस्ट कल अपलोड हुआ है तो उनको जरूर देना टाइम से टाइम हर एक चीज करते रहो ताकि बाद में बोझ ना पड़ जाए जो चीज आपने ली है परचेज की है उसको यूटिलाइज जरूर करो टाइम निकाल कर वीकली टेस्ट या फिर डेली टेस्ट वहां पर क्रॉसवर्ड पे नहीं दे रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंग आप गलत कर रहे हो मैं पर्सनल यही रिकमेंड करूंगा कंफ्यूजन है कुछ अलग क्वेश्चन आपको चाहिए तो वो क्वेश्चन भी आपके सामने आ जाए ठीक है तो जरूर देखिएगा जरूर कीजिएगा उनको भी हेटाइम डेली बेसिस पे करते रहिए वीकली तो करना ही करना है मिलते हैं रात को दस बजे रात को दस बजे हमारी एमसी क्लास होगी जिसमें हम कल के जो कल की करंट अवेयर्स हो ही नहीं थी एक हमारी पिछली कुछ करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज पेंडिंग है वो करेंगे ठीक है वो करेंगे हम ओके अगर आज के देखता हूं अगर कुछ थोड़े बहुत आज के मैं शामिल कर सकूं थोड़े बहुत आज के ले लेंगे नहीं तो नॉर्मली मैंने एमसीक्यूज की क्लास का क्या कर दिया है एमसीक्यू क्लास मेरी नेक्स्ट डे हुआ करेगी यानी कि जो आज करंट अवेयर्स कराए करें, उसके एमसीक्यूज कल करेंगे उसके एमसीक्यूज हम कल करेंगे जो कल सी जो कल करंट अफेयर्स करेंगे उसके एमसीक्यूज परसों करेंगे इस तरह से हम यहाँ पर चलते रहेंगे एक दिन बाद एमसीक्यूज करेंगे ताकि जो लोग बाद में रिकॉर्डेड सेशन भी देख रहे हैं तो वो भी एमसीक्यूज का लाभ उठा सकें राइट बने रहिए जुड़े रहिए मेरे साथ और रात को दस बजे आपकी मुलाकात होगी और ये क्लास अब से रोज डेली सुबह आठ बजे हुआ करेंगे डेली सुबह आठ बजे आप मुझे यहाँ पर मिल सकते हो इसी चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा सेशन को लाइक कर देगा मिलते हैं डेली आठ बजे यहाँ पर और रात को दस बजे अनकेडमी के स्पेशल क्लास फ्री क्लास के प्लेटफॉर्म पे